Hey guys, welcome over, welcome back to my channel and this is Kajal and Shimit. So, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्योंकि मेरे पास है आज एक ऐसा ब्रांड जो कि फीमेल के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाता है साथ ही साथ मेल के लिए भी. So, I'm talking about Good Health Company and इनके ही दो सब ब्रांड्स है, one for men and other for the women. So, मेरे पास है आज Satin by GHC के कुछ प्रोडक्ट्स. This is the packaging and you can also shop. The link is given in the description. And let's talk about the product first. So, iska box kuch aisa dikhta hai and iske andar hai do products. The very first product is this one. This is face toner pore tightening that includes PHA, niacinamide and hyaluronic acid with amino acids. So, isse maine use kar liya hai. और आज मैं आपको इसका ही रिव्यू देने वाली हूँ. बट द सेकेंड प्रोडक्ट इज अ फेस वॉश जो अब तक मैंने यूज नहीं किया है. बट इसकी भी पैकेजिंग देख लेते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो जब मैं इसे भी यूज कर लूंगी तो इसका भी रिव्यू मैं आपको दे दूंगी. एंड या गाइस, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. पैकेजिंग सो ये एक बॉटल के कंटेनर जैसे कंटेनर में आता है. एंड इसे आपको यूज कैसे करना है, जो हम डेली रूटीन में करते हैं, सबसे पहले आप एक क्लेंजर लेते हो माइल्ड सा जिसमें कि बिल्कुल भी पैराबेन नहीं होना चाहिए एंड सल्फेट फ्री हो तो काफी अच्छा है. तो आपको लेना है पहले क्लेंजर, जैसे आप अपना डेली रूटीन फॉलो करते हो वैसे. क्लेंजर लगाने के बाद आपको ये टोनर अप्लाई करना है स्किन के ऊपर एंड आपको जेंटली अपनी फिंगर टिप से इसको सर्कुलर मोशन पे मसाज करना है जैसा कि अभी आपको इस वीडियो में दिख रहा है. तो सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है पीएचए. पीएचए बेसिकली एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट है जो कि हेल्प करता है एक रेडिएंट स्किन टोन देने में. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं पीएचए की, तो हम कई बार स्क्रब कर रहे होते हैं, एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं अपने स्किन को, लेकिन एक्ने प्रोन स्किन वो क्या करे, वो कहां जाए, क्योंकि स्क्रब के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए, क्योंकि छिलने का डर रहता है, काफी सेंसिटिव होती है उनकी स्किन. तो भी हम ग्रैन्यूल से डरते हैं कि यूज करें या ना करें, लेकिन इस टोनर में पीएचए एडेड है जो कि हेल्प करेगा स्किन एक्सफोलिएशन में, जिससे आपको मिलेगा स्किन ग्लो करता हुआ और एक रेडिएंट स्किन टोन. देन गाइज, मैं बात करती हूँ दूसरे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, जो है नायसिनामाइड. नायसिनामाइड का भी नेम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है जब से मार्केट में सिरम्स, फेस टोनर्स और बाकी चीजें आई हैं, जैसे कि पील ऑफ सिरप्स एंड ऑल. सो अगर मैं बात करूं नायसिनामाइड की, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है स्किन ब्राइटनिंग में, साथ ही साथ हेल्प करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, जो कि गर्मी हो या सर्दी हमेशा ही जरूरी है स्किन का मॉइस्चराइज रहना. थर्ड इम्पॉर्टेंट है हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड का नाम सुना होगा काफी लोगों ने, क्योंकि इतना ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है. जितने भी आप शीट मास्क यूज करते हैं या फिर सिरप्स यूज करते हैं, उन सब में होता है हाइलुरोनिक एसिड, बिकॉज उसमें होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि हेल्प करते हैं स्किन को हाइड्रेट करने में, मॉइस्चराइज करने में, जिससे कि स्किन हो जाती है आपकी नाइस नाइस नाइस. सो अगर हाइलुरोनिक एसिड आप यूज करते हैं तो आपको एक अलग ही इफेक्ट दिखेगा अपनी स्किन में. काफी ज्यादा मॉइस्चराइजर्स में भी आजकल हाइलुरोनिक एसिड यूज किया जा रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है काफी ज्यादा हाइलुरोनिक एसिड भी. सो इस टोनर में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड भी है. अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, जो कि एमिनो एसिड. एमिनो एसिड हम तब यूज करते हैं जब हमें एंटी एजिंग के लिए कोई क्रीम यूज करनी होती है. एंटी एजिंग के भी बहुत सारे क्रीम्स एंड फेस वॉशेस आ रहे हैं मार्केट में. एंड जब हम बात करते हैं डेली स्किन केयर की, तो फेस वॉश कर लिया हमने, मॉइस्चराइज कर लिया, बट बीच के जो पार्ट्स होते हैं टोनर और सिरम्स, इनको हम काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं. बट टोनर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं बात करूं टोनर की, तो क्या करता है टोनर,
काफी लोगों को बहुत ज्यादा इस बात में गलतफहमी होती है कि टोनर एक्चुअली स्किन पे जो हमारे डर्ट होता है उसको रिमूव करता है, बट बेसिकली जब हम कोई एक माइल्ड सा भी क्लेंजर लगाते हैं तो वो हमारे स्किन के पोर्स को ओपन कर देता है एंड टोनर हेल्प्स की स्किन की जो हमारी पोर्स है जो खुली रह गई है वो बंद हो जाए, माइल्ड सी हो जाए, नॉर्मल अपनी पोजीशन में वापस चली जाए, इसलिए हम यूज करते हैं टोनर का। कई बार जब आप टोनर स्किप कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन की जो पोर्स है जो क्लेंजर के बाद खुली रह गई है उनमें डर्ट जाने का खतरा रहता है और इसलिए हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहा थी एमिनो एसिड पे, जी तो एमिनो एसिड आपको देगा जो भी एंटी एजिंग के डलनेस आती है फेस पे, या फिर हम बात करते हैं रिंकल्स की, या फिर काफी ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है एज बढ़ने के साथ साथ, तो उसको रोकता है एमिनो एसिड। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इस प्रोडक्ट में और जब आप डेली यूज करेंगे इस प्रोडक्ट को तो आपको इसका इफेक्ट पक्का से पक्का ही दिखेगा अपनी स्किन पे। कई लोगों का स्किन टाइप जो है वो डिफर करता है, मेरी स्किन अलग है, आपकी स्किन अलग है, कुछ लोगों को एक हफ्ते में ही पता चल जाता है टोनर कितना हेल्पफुल है या कितना वर्क कर रहा है या कितना इफेक्टिव है, वैसे ही आप लोगों को भी धीरे धीरे पता लगेगा जिसकी भी स्किन जैसी भी है उस अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट यूजिंग इट रेगुलरली फॉर सीइंग अ चेंज इन योर स्किन। So if I talk about that, what is Saturn by GHC? Saturn by Good Health Company is making product for women related to the beauty of women or women beauty products that will help in enhancing your beauty. So basically, Saturn by GHC एक sub brand है Good Health Company के under and Saturn is for the women. एंड मार्स जो है मेन के लिए है, काफी अच्छा कंसेप्ट है, दो प्लैनेट्स को ही मिला दिया गया है, नाइस। एंड अगर मैं बात करती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या आपकी स्किन टाइप कैसी है, तो बस इसलिए वेबसाइट पे चल रहा है इन दिनों सेल्फ असेसमेंट सर्वे, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप पता कर पाएंगे आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट है अच्छा और जरूरी और आपको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और कैसे आपको दिखेगी उसकी इफेक्टिवनेस। तो अभी जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको मिलेगा सेल्फ असेसमेंट सर्वे का फॉर्म, जिसको आप फिल करते ही जान पाएंगे कि आखिर आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट नेसेसरी है या फिर अच्छा है या नीडेड है आपकी स्किन के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसके बाद आपको डिस्काउंट मिलता है, जैसा कि यहाँ पे मुझे भी मिला है, मुझे यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिला है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड दिस वे कोड नहीं दिखाऊंगी मैं आप सबको, लेकिन एक सरप्राइज है आप सबके लिए मेरे पास, अगर आप मेरी वाली लिंक से जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में नीचे, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो अभी जाइए ऑर्डर कीजिए अपने लिए प्रोडक्ट, बट उससे पहले सेल्फ असेसमेंट सर्वे करना मत भूलना। सो गाइस जल्दी से जाओ वेबसाइट पे, आपके लिए भी वेट कर रहे हैं बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड हर प्रोडक्ट के साथ जो भी आप ऑर्डर करोगे उसके साथ आपको मिलेगा एक रीबाय का कूपन जो कि मुझे भी मिला है। सो नेक्स्ट परचेज जब मैं करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 20% का ऑफ एंड आपको अभी मिल रहा है इंस्टेंटली 30% का ऑफ, तो प्लीज लिंक का यूज जरूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर टू अदर्स।